इस वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अगर गलती निकलता है तो कमेंट कीजिए। नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि अथवा औच संधि का सेकंड पॉइंट क्या ना, गुण संधि। ठीक है, इससे पहले हमको पता चलना चाहिए कि संधि क्या है ना। पूर्व कालांश में हम चर्चा कर चुके हैं संधि का डेफिनेशन क्या है ना, परस्पर समीपवर्ती द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि, अर्थात परस्पर समीपवर्ती दो वर्णों का मिलन से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि बोला जाता है। ठीक है, ये संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, क्या क्या है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। ठीक है, ये स्वर संधि आज जो पढ़ेंगे क्या है ना, स्वर संधि, ये स्वर संधि में आठ प्रकार संधि हैं, क्या क्या है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, बुद्धि संधि, यौन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि एवं प्रकृति भाव संधि। उनमें से आज सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है ना, गुण संधि पढ़ेंगे। ये गुण संधि का डेफिनेशन क्या है ना, अदेंग गुण, अर्थात अ ए ओ, ये तीनों को क्या बोला जाता है ना, गुण वर्ण बोला जाता है। इसलिए ये संधि का नाम क्या है ना, गुण संधि। ये गुण संधि में क्या होता है ना, देखो ओ अथवा आ के साथ ई बड़ाई, उ बड़ाऊ, री बड़ारी, री मिलने से क्या होगा ना, ए नहीं तो ओ नहीं तो और नहीं तो ऑल होता है। इस देखो मुख्य रूप से क्या है ना, ओ ए ओ को गुण वर्ण बोला जाता है, इसलिए संधि का नाम क्या है ना, गुण संधि। चलो देखेंगे कि ओ आ के साथ ई बड़ाई, उ बड़ाऊ, री बड़ारी, री मिलने से कैसे ए ओ और ऑल होता है। चलो देखेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलो देखेंगे। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या बता रहा है ना, ओ के साथ छोटा ई मिलेगा तो ए होगा, कैसे है ना, देखो एग्जाम्पल, उप धन इंद्र उपेंद्र, देखो ए उप का अंत में क्या है, ओ है, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, ई, ओ के साथ ई मिला तो ए हो गया, नहीं उपेंद्र, उप धन इंद्र उपेंद्र, ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या बता रहा है ना, ओ के साथ बड़ा ई मिलेगा तो वो भी ए होगा, कैसे ना, देखो एग्जाम्पल, गण धन ईश गणेश, देखो गण मन अंत में क्या है, अ है और बड़ा ई है, अ के साथ ई मिला तो ये हो गया, नहीं गण धन ईश गणेश। ठीक है, देखो थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, बड़ा अ के साथ छोटा ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, कैसे है ना, देखो महा धन इंद्र महेंद्र, देखो बड़ा मतलब महा अर्थ अंत में क्या है, बड़ा अ बा आ है, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, ई है, आ के बड़ा अ के साथ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, देखो महा धन इंद्र महेंद्र। वैसे फोर नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, बड़ा अ के साथ बड़ा ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, कैसे ना, एग्जाम्पल महा धन ईश महेश, देखो महा अर्थात इसका अंत में आ है और बड़ाई, आ के साथ बड़ाई मिला तो महेश हो गया। नेक्स्ट फाइव नंबर क्या है ना, देखो ओ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या बता रहा है ना, चंद्र धन उदय चंद्रोदय, चंद्र मतलब क्या, इसका अंत में अ है और नेक्स्ट वर्ड में ऊ है, ओ के साथ वो मिला तो ओ हो गया, कैसे ना, चंद्र धन उदय चंद्रोदय। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्या है ना, ओ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, कैसे ना, एग्जाम्पल देखो एक धन ऊ न एको न, देखो एक अर्थात इसका अंत में ओ है और बड़ा ऊ, ओ के साथ बड़ा ऊ मिला तो ओ हो गया, नहीं और एक ऊ न एको न। नेक्स्ट सेवन नंबर क्या है ना, बड़ा ओ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, कैसे ना, देखो एग्जाम्पल गंगा धन उदकम गंगोदकम, देखो गंगा अर्थात इसका अंत में आ है और आ के साथ ऊ मिला तो हो गया, नहीं देखो गंगा धन उदकम गंगोदकम हो गया। वैसे नेक्स्ट एट नंबर क्या है ना, बड़ा ओ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, देखो एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं, यमुना धन उर्मी ही जमुनोर्मी ही, देखो यमुना अर्थात इसका अंत में आ है और बड़ा ऊ, बड़ा ओ के साथ बड़ा ऊ मिला तो ओ हो गया,
जमुना धन उर्मी और जमुन उर्मी हो गया। वैसे चलो नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर देखेंगे क्या है ना, ओ के साथ री मिलेगा तो क्या हो जाएगा और कैसे होगा ना, देखो एग्जाम्पल, देवो धन ऋषि ही देवर्षि ही, देखो देवो इसका अंत में क्या है ओ है और इधर री मिला तो और हो गया नहीं, देवर देवर्षि, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्या है ना, बड़ा ओ के साथ री मिलेगा तो और भी होगा, कैसे ना देखो, मोहा धन ऋषि ही मोहर्षि, देखो इसका अंत में आ है ये री मिलेगा तो और हो गया मोहर सी, मोहा धन ऋषि मोहर्षि। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है ना, ओ के साथ री मिलेगा तो अल हो जाएगा, कैसे ना देखो, तब धन लिकार तबल कार, देखो तब अंत में अ है और नेक्स्ट वर्ड में क्या है ली है, ओ और ली मिलेगा तो ऑल हो गया कि नहीं, तबल कार तब लकार तबल कार। नेक्स्ट 12 नंबर क्या है, देखो बड़ा अ के साथ ली मिलेगा तो ऑल भी होगा, देखो कैसे ना, साला धन लिकार सालाल कार, देखो साला मतलब अंत में आ है और ली है, ऑल हो गया, देखो कैसे ना सालाल कार, कैसे साला धन लिकार सालल कार, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये गुण संधि उदाहरण के साथ साथ आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।